आज बात करेंगे कि आज दिन रोज ही रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है। जैसे कि किसी की कैब लूट गई, किसी की सर पे पत्थर मार दिया, किसी कुछ हो गया। इस विषय पर आज बारीकी से बात करेंगे आप लोगों का। दोस्तों, मैं मदन अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ इसके अपने भाई विजेंदर के साथ जो सीन हुआ, उसके कड़ी निंदा करते हैं हम लोग। और पीछे अभी कल आपने देखा होगा उसके क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट हुआ कनाड प्लेस में। सभी ड्राइवर भाई एकता नहीं है, सभी ड्राइवरों की एकता होना जरूरी है, नहीं तो आने वाला टाइम में ड्राइवर समाज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसी पे आज डिटेल्स में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पहली बार देखे तो लाइक कर देना और उस भाइयों को शेयर कर दो सभी को। सभी ड्राइवर भाई एक्टिव हो जाए और सभी ड्राइवर भाई सोशल मीडिया पर आना चाहिए। सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे आप लोग तो हमारी ताकत नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग ओला उबर से गुलाम हो चुके हैं। ओला उबर के हम लोग गुलाम हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस गुलामी को दूर करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला टाइम में हमारा घर चलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सोच समझ के कदम उठाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि देखिए एकदम से तो सब कुछ नहीं बदला जा सकता, लेकिन कोशिश कोशिश कर सकते हैं ना। कोशिश आप नहीं करेंगे, आपने देखा होगा पीछे उबर फाइल्स करके एक डाटा लीक हुआ था। पीछे उबर उबर कंपनी ऐसा है कि ड्राइवर के गले पे चाकू रख के चलती है, अगर कुछ भी हो जाए तो सरकार के पल्ला झाड़ लेती है। मतलब एक स्विच की करके उनके पास बटन है। आपने पीछे सुना भी होगा कि कुछ दिन पहले, काफी दिन पहले की बात है, जब उन्होंने ऐसा कुछ सीन हुआ था, जब नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका डाटा लीक हुआ था, तो उनके ऑफिसर थे, उबर उबर इंडिया के ऑफिसर थे, कोई एम्प्लॉय थे, उन्होंने डाटा सारा लीक कर दिया था मार्केट में। लीक करने के बाद तो उसमें पब्लिक ही हुई थी और उसके लिए ऑफिसर या अथॉरिटी के लोग छापा मारने गए। तो उबर इंडिया का स्विच की क्विक स्विच करके एक बटन आता है, उसने वहां पर क्लिक कर दिया ऐसे। और क्लिक करने के बाद समझ लीजिए कि उनके पास कोई डाटा ही नहीं, कर लो सिस्टम हैंग, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं। दोस्तों, तो ये सब चीजें ना उबर बहुत चालाकी से काम कर रहा है, और उबर लगभग 72 देशों में काम कर रहा है। तो हम लोग उबर ड्राइवर की कोई नहीं सुनवाई है। और उबर इतनी छोटी सी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है, उन तक हमारा हम लोग का बात, किसी ड्राइवर की बात नहीं पहुंच रही है सही तरीके से। आपने अभी पीछे इंसिडेंट सुना होगा, एक उबर ड्राइवर और एक डॉक्टर मैडम कस्टमर थी, उसके साथ ऐसा सीन हुआ कि उन्होंने उबर इंडिया को ट्वीट करके बोला कि आपका ड्राइवर मेरे से फ्रेंडशिप करना चाहता है। मतलब ये तो हम भी शर्मनाक वाली बातें हैं कि हमारा ड्राइवर समाज में ऐसा लोग है कुछ लोग। तो प्लीज भाई, अभी सभी लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग एक्टिव होइए सोशल मीडिया साइट पे, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे, अपनी अपनी बात रखिए, वीडियो बनाइए। और वीडियो बना के डालेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा। और हम लोगों को ये चीजें जब सारे बंदा एकजुटता दिखाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं उस चीज का बेनिफिट होगा। और बेनिफिट ये होगा कि ये बात सरकार तक पहुंचेगी, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ओला उबर के कानों तक पहुंचेगी। और आपने देखा होगा अभी पीछे, अभी उबर कुछ और, आपने ये अपनी अपनी कैब सुना होगा, अपनी कैब भी लेकर आया मार्केट के अंदर, 6 रुपए कमीशन ले रहा था। हम लोग उस पर क्यों नहीं गाड़ी अटैच करते, हम लोग क्यों नहीं उस पर काम करते हैं? है? अभी हमारा कोई अस्थायी सेवा नहीं है, मतलब अस्थायी जगह नहीं है कि हम किस जगह हम प्लेटफॉर्म पे काम करें। ओला भी डूबी पड़ी है, उबर भी एक तरह से डूबी पड़ी है, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वेस्टर इन लोगों के पास इन्वेस्ट कर रखा है। और अभी एक आपने सुना होगा, एक रैपिडो करके कंपनी आई है, रैपिडो जो पहले बाइक टैक्सी प्रोवाइड करता था, अब उन्होंने कैब भी लाया है। तो उनमें कमीशन नहीं है बिल्कुल, कमीशन के तौर पे अगर देखा जाए तो 0% है, किलोमीटर 25 रुपये है, मिनिमम फेयर 100 रुपये है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई अपनी हक की लड़ाई लड़ना सीखिए और सोशल मीडिया पर आइए, लाइक अपना ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये 4 ऐसे हथियार हैं आपके पास कि आप कुछ भी आप करेंगे ना, तो ये चीजें धीरे धीरे सरकार तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। और पहुंचनी कहीं ना कहीं शुरू होगा तो इसका भी हल होगा। और
टाइम लगेगा, मतलब सब कुछ एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा और हो जाएगा दोस्तों। सभी बंदे से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी 1 तारीख को स्टेयरिंग छोड़ो अभियान चलने वाला है, शुरू होने वाला है। बेलगाम भारत के सर हमारे, उन्होंने इसका स्टार प्रचार किया, और इस पे सभी ड्राइवर भाइयों को अपनी अपनी राय रखनी चाहिए और अपने अपने खुल के आइए वीडियो में, बोलिए आप लोग, कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा ना कि सभी भाई अपने हक की बात करेंगे। यार ड्राइवर समाज को ऐसे लोगों ने गंदे तरीके से देखा है, गंदे तरीके से देखा है कि आप समझिए कि कहीं का नहीं है यार ड्राइवर, मतलब घर का ना घाट का, वो कहते ना धोबी कुत्ता घर का ना घाट का, वो वाला दशा हो चुका है ड्राइवर को। लोग ऐसे देखते हैं, ये ड्राइवर है, इसकी औकात क्या है, मतलब कुछ भी यार, कुछ भी बोल देते हैं, गाली ग्लौज मां बहन कर देते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगा हाथ जोड़ के भाई कि सभी एकता दिखाइए, बंदे एक साथ आके सोशल मीडिया साइट पर आइए और सभी लोग अपने अपने बात रखिए। नहीं तो आज के डेट में आपने देखा होगा अभी आन दिन हादसा हो रहा है, फरीदाबाद में गाड़ी छीनी गई, विजेंद्र भाई के साथ ऐसा हादसा हुआ, बहुत सारी चीजें। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी बात जो मुझे समझ आया आप लोगों के सामने रखा। आप लोगों का क्या कमेंट है, क्या राय है, आप लोग का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खुला हुआ है, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, दूर दूर तक फैलाइए इस वीडियो को। और सबसे बड़ी बात कि लास्ट में यही कहूंगा, अगर अच्छा लगा हो लाइक करके जाना वीडियो को, और बुरा लगा हो तो डिसलाइक करके जाना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, और यही वीडियो मेरा फेसबुक पेज पे अगर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना दोस्तों, और भाई का समर्थन सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोगों का हक की बात, आप लोग की समाज के लिए, अपनी समाज के लिए हम लोग आवाज उठाते रहे दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो जय हिंद जय भारत।